हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जेई एडवांस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के किसी प्रतिष्ठित जाने माने IIT इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जेई एडवांस एग्जाम को पास करना होगा। आपको बता दें कि भारत में 23 IIT इंस्टीट्यूट हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए हर साल NTA नेशनल लेवल की एग्जाम आयोजित करवाता है। दोस्तों, अगर आपका सपना भी किसी अच्छे IIT इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का है तो इसके लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि JEE एडवांस एग्जाम एक बहुत ही कठिन एग्जाम है जिसे पास करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि यदि आप इस एग्जाम की तैयारी ठीक तरीके से करेंगे तो आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसीलिए आपकी सहायता करने के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको JEE एडवांस एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस एग्जाम से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाए और आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। दोस्तों, JEE एडवांस एग्जाम का फुल फॉर्म ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस लेवल है। दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म में JEE एडवांस कहा जाता है और इसे हिंदी में संयुक्त प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो उन स्टूडेंट्स के द्वारा दी जाती है जो देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में लगभग 23 IIT इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें पढ़ाई करने के बाद कोई भी स्टूडेंट एक टॉप लेवल का इंजीनियर बनकर बाहर निकलता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि JEE एडवांस एग्जाम एक बहुत ही कठिन एग्जाम होती है जिसे पास करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हर साल JEE एडवांस में लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन हमारे देश में केवल 10,000 सीटें ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उपलब्ध हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कितनी कठिन होगी। दोस्तों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए JEE मेन पहला स्टेप है और JEE एडवांस सेकेंड स्टेप है। दोस्तों, JEE मेन को जो कैंडिडेट पास कर लेते हैं वो JEE एडवांस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों, बात करें JEE एडवांस एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्या एलिजिबिलिटीज होती हैं, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं। तो दोस्तों, कैंडिडेट JEE एग्जाम JEE मेन एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए और कैंडिडेट ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा 75% मार्क्स के साथ पास किया हुआ होना चाहिए और उसने कक्षा 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के साथ पास किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, वो कैंडिडेट्स जो JEE एडवांस एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें भारत के टॉप 23 IIT इंस्टीट्यूट्स में से किसी एक में एडमिशन मिलता है। आपको बता दें कि ये IIT इंस्टीट्यूट्स हर राज्य में बने हुए हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को देश भर के जो टॉप IIT इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम बता देता हूँ। दोस्तों, ये इंस्टीट्यूट्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बनारस जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे यानी कि IIT बॉम्बे, IIT भुवनेश्वर, IIT हैदराबाद, IIT इंदौर, IIT पटना, IIT कर्नाटका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जम्मू, IIT छत्तीसगढ़। दोस्तों, ये कुछ टॉप IIT इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप JEE एडवांस एग्जाम को क्लियर करके आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, JEE एडवांस एग्जाम में कैंडिडेट से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है और कक्षा 11वीं और 12वीं के सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम बहुत ही कठिन एग्जाम होती है, इसीलिए आपको इसका पूरा सिलेबस समझना होगा और उसी के अनुसार अपनी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को JEE एडवांस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बता देता हूं ताकि आप इस एग्जाम की तैयारी सही प्रकार से कर सकें। दोस्तों, बात करें फिजिक्स के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है यूनिट एंड डायमेंशंस, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रेविटेशन, हार्मोनिक मोशन, वेव्स, द प्रेशर इन फ्लूइड, थर्मल फिजिक्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एटम एंड न्यूक्लियाई। दोस्तों, बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, एनर्जेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों, बात करें मैथ्स के सिलेबस की तो इसका सिलेबस है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री।
दोस्तों बात करें जेई एडवांस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो जेई एडवांस एग्ज़ाम के लिए आपको दो पेपर्स देने होते हैं, जिसमें 12वीं कक्षा के आधार पर आपको बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों जेई एडवांस एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होती है, जिसे कि CBT कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। दोस्तों इसमें कैंडिडेट को कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेई एडवांस के दोनों पेपर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा टफ होते हैं। दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए आपके मार्क्स काटे जाते हैं, इसीलिए आपको इस एग्ज़ाम को देते समय बहुत ही सतर्कता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दोस्तों अगर आपने लगातार 4 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं फिर आपको पूरा पेपर उसी लैंग्वेज में सॉल्व करना होता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिल्ली में जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं उनके नाम बता देता हूँ। दोस्तों ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं आइंस्टीन क्लासेज, कैरियर मेंटर, पेस कोचिंग क्लासेज, RVS स्टडी पॉइंट, फिटजी दिल्ली, बंसल क्लासेस, राव IIT एकेडमी, IITs पेस, नारायणा IIT एकेडमी, विद्या मंदिर क्लासेस कालूसराय, टारगेट क्लासेस स्कॉलर्स एकेडमी, आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, पाई एजुकेशन दिल्ली, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, श्री चैतन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, मार्क्सी क्लासेस दिल्ली और तक्षशिला इंस्टीट्यूट दिल्ली। दोस्तों ये दिल्ली के कुछ टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ बुक्स और स्टडी मटेरियल्स के नाम बता देता हूं, जो कि आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये बुक्स हैं IIT मैथमेटिक्स बाई RL खन्ना, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बाई P बहादुर, फिजिकल केमिस्ट्री बाई विले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाई OP टंडन, ट्रिग्नोमेट्री बाई SL लोनी, जेई फिजिक्स बाई DC पांडे, RD शर्मा क्लास 11th एंड क्लास 12th। और दोस्तों इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व करें। और दोस्तों आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां से आप जेई एडवांस के लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पेपर और मॉडल सेट्स आप डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर अपनी अच्छी पकड़ बनानी होगी। इसके लिए आप हर रोज़ 70 से 80 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करें। इस प्रकार जब आप रोज़ इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों जितने भी फॉर्मूले और थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उन पर भी आपको अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के बाद इसी टाइप के क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको आप अच्छी तरीके से याद कर और थ्योरी को भी आप ठीक प्रकार से समझ कर पढ़ें। दोस्तों साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं उन पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको अधिक समय देना होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सब्जेक्ट आसान हैं उनको आप इग्नोर ना करें और उन्हें भी आप समय दें। दोस्तों जेई एडवांस एग्जाम में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसीलिए आप ये देखें कि कौन से सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन आते हैं और उन सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ें। इसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स हैं उन पर भी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और उन्हें उनकी तैयारी करना बंद ना करें। दोस्तों अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप मार्केट से रेफरेंस बुक्स खरीदकर आप जरूर पढ़ाई करें, क्योंकि इन बुक्स में आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी इनसे पता चलता है। दोस्तों एग्ज़ाम के होने से पहले आप सारे सिलेबस को अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपना सिलेबस रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल सकते हैं। दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। हर रोज़ आप एक टाइम सेट करें और उस टाइम के दौरान आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता और स्पीड बढ़ेगी, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना जेई एडवांस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स सभी से जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।